सुना है आज यहाँ माइथोलॉजिकल स्पेशल है, बड़े बड़े राजा महाराजा आने वाले हैं, इसलिए मैं द्रौपदी हवा हवाई भी यहाँ पे आ गई हूँ और अपने साथ तीन तीन सम्राट भी लाई हूँ। हंसती हुई बस्ती से पुरंस की महारानी अर्चना पुरंस से, युवागढ़ से सुमंस के राजकुमार द एवर यंग शेखर सुमार, और गोलमाल नगर से शेट्टीज के सरताज रोहित शेट्टी। आज यहाँ अलग अलग युगों से लोग आए हैं, लेकिन एक बालिका तो किसी और ग्रह से ही आई है और इसीलिए रितेश पूछ रहे हैं जाने कहां से आई है। प्लीज वेलकम फिल्म जाने कहां से आई है के वेरी हैंडसम द वेरी टैलेंटेड रितेश देशमुख। Thank you so much. रितेश, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉमेडी सर्कस पे। आप पहले भी यहाँ आए हैं, it's always been our pleasure. It's my pleasure. I love this show and I'm glad that I'm back here. जोरदार तालियां रितेश के लिए। रितेश, please join them. Thank you so much. And let's get ready for a rocking show. Thank you so much, रितेश. आज मेरे स्वयंवर में अलग अलग युगों के वीर आएंगे पर अंत में इनमें से कोई एक हो जाएगा शहीद। लेकिन आज के एलिमिनेशन में पिछले हफ्ते के स्कोर्स भी जुड़ेंगे। पिछले हफ्ते शेट्टी से सबसे आगे और पुरंस के करिश्मा और रहमान थे सबसे पीछे। देखिए कौन होता है शहीद और कौन बनता है मेरा बलमा। सीजन टू के सुमंस यमराज सुदेश आए हैं धरती पर और उनसे टकरा रहे हैं कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। यमहा यमहा मैं यमहा यमहा तू खूबसूरत है माँ ऊपर ले जाना काम है मेरा डरता है मुझसे जहां। आप सोच रहे होंगे कि यमराज नीचे कैसे आ गया। भाई नीचे आने का तो मजा ही कुछ हो रहा है, क्यों शेखर जी? शेट्टी साहब माफ करना, आप स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी पहले सारी, अब पंच चेंज हो नहीं सकते। मुझे पता है आपको ऐसे अच्छे लगते हैं लेकिन क्या करें, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी देख लेंगे, आते ही रहना, हमने अगले साल भी है। हाँ, नीचे आने का मजा ही कुछ हो रहा है क्योंकि धरती पे आके बंदा जो टाइम पास करता है कोई नहीं कर सकता। टाइम पास करने के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है। बंदे माँ आजा आजा ना। बंदा अभी बंदा हुआ है, म्यूजिक बजाओ भी ऐसे नहीं आएगा। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम भैसा है मेरा क्या नाम भैसा है मेरा, मैं तो गोबर। मैं तो गोबर करता हूँ, गोबर है गोबर। मैं डर गया था। तू इतना लेट कैसे हो गया? सर जी रस्ते में मुझे भारती मिल गई थी, मैंने उसे प्रपोज कर दिया। माँ की आँख। तो रो क्यों रहे, ना कर दी उसने? नहीं, उसने हाँ कर दी। तो फिर रो क्यों रहा है? क्योंकि मेरी माँ ने ना कर दी, वो कहती मैं इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने दूंगी। तेरा यही पंगा नीचे आते ही तू सेटिंग करनी शुरू कर देता। सर जी मैं इंसान थोड़ी हूं जो सेटिंग करने के बाद नीचे आऊं। शेट्टी साहब अब पंच जो बने हैं आपको सर जी अब नीचे आ ही गए तो लगे हाथ मेरा स्वयंवर भी कर दो। सर साले शक्ल देखी, तेरे से स्वयंवर कौन करेगा? सर जी जब राहुल का स्वयंवर हो सकता है तो मैं तो फिर भी जानवर हूं। और आपको पता नहीं है सर, मुझ पे कई भैंसियां मरती हैं सर, एक तो यहीं बैठी है सर। अर्चना मैं सोच भी नहीं सकता था इतना स्टैंडर्ड डाउन हो गया इसका। शर्म नहीं आती तुम्हें? तू भैंसा भैंसा करती है, तू भैंसे पे क्यों मरती है? तू भैंसा भैंसा करती है, इस भैंसे पे क्यों मरती? ये तो भैंसा पागल है, गोबर की लगा दे ढेरी।
मैं तेरी उम्र लंबी कर दूंगा जे तू हो जाए मेरी। पहले तो आप सिर्फ इंसान ही मारते थे, अब लाइन मारनी भी शुरू कर दी। बहुत अच्छा, चल भाग यहाँ से। सर जी किसी का अठाना गिरा हुआ है। मेरा ही होगा, कुछ का होगा। इसको उधर रखते, नाम इसका लगना। मैं एक रियलिटी शो करा रहा हूँ सर ऊपर, तो आपको पता है रियलिटी शो कराना है तो सेलिब्रिटी को बुलाने पड़ता है, और मैंने ऊपर ही आपको खुशी होगी राहुल राय, कुमार गौरव, चेंकी पांडे को फोन पे मना कर दिया, और सुरेंद्र को मैं खुद मना करने आया हूँ क्योंकि ये इसका कोई पता नहीं वैसे ही आ जाए। समझ गया, सुदेश को बुक कर लेते हैं। उसका घर लगता है। नमस्ते जी। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। सुदेश घर पे है? नहीं, आ जा। नहीं नहीं, मैं सुदेश को मतलब ले जाने आया हूँ ऊपर। अरे वो नीचे कोई काम का नहीं, ऊपर क्या कर लेगा। कमाल कर रहे हो, ये सब लोग तो कहते हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मुझसे पूछो। कृष्णा उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। कश्मीरा ने बताया था। ये गांव से आए शेट्टी साहब, इसे कोई नहीं पता कि आज आपने मना किया है। खैर कोई बात नहीं, ये लेडीज है, इसकी तरफ से मैं क्यों माफी मांगू, मांग माफी। कृष्णा की औकात क्या है? सुदेश नहीं होता तो वो क्या कर लेता? अरे सुदेश कितने करेक्टर करता है यार, क्या बात है। बुआ, बुआ, ये किसने किया था? अरे ताकी, ओ ताकी, ओ ताकी, ताकी, ताकी रे, जीतू रहो बेटा। ये किसने किया था? जो माने जी मानो, तुसी मान बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार गीत लग गया, पेश कर, मामला गड़बड़ है। ये किसने किया था? थोड़ 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 यह किसने किया था? इसको अहंकार हो गया है कि शेट्टी साहब ने बोल दिया तू मेरी फिल्म में हीरो बनेगा। इसको ये नहीं पता कि 5 साल भी बीच में डाल दिए थे। क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि तू अभी किसी काम का नहीं। भाग जा सर। मैं चित्रगुप्त को फोन कर लूं यार। हेलो चित्रगुप्त यार, तू कहां गुप्त हो जाते, बात सुन। और नीचे कोई कलाकार बुक नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूं? किसको? अर्चना को ले आऊं? नहीं यार, ऊपर जेंट्स टॉयलेट का काम चल रहा है, अभी प्रॉब्लम है। किसको? हैं? कॉमेडी सर्कस में जाऊं? हमें वही हूं यार, किससे मिलूं? प्रोड्यूसर विपुल शाह। मैं मिलता हूं अभी। हाँ निकुल, काम थई गयो। ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है। भारती, ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है। एक मिनट, रुकिए, 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 एक मिनट, रुकिए, रुकिए, रुकिए। वाह 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 वाह, क्या रोकते हैं आप सर? आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। ये भी टैलेंट होता है रोकना। सर ये ऑटोग्राफ दीजिए सर। विद लव यमराज। अरे रो क्यों रहे हैं सर? सर मेरे से पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिए। अरे कितना सच्चा कलाकार है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ कैसे? बस आपकी मूछ ठीक करने आया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुदेश। सुजी मैं कलाकार बुक करने आया था, आप ये कलाकार बुक करवा सकते हो? अरे ये मुझे ना कैसे कर सकते हैं? आपकी इज्जत करते हैं ना? नहीं नहीं, डरते हैं मुझसे। इन सबको किसने बनाया है? इनके माँ बाप ने बनाया, और किसने बनाया?
इन सबको स्टार किसने बनाया है? ये वीआईपी क्या था पहले बताओ? वीआईपी बहुत बड़ा यार, मिमिक्री आर्टिस्ट, 150 एक्टरों की आवाजें निकाल लेता, सुपरस्टार मिमिक्री आर्टिस्ट। उसको भांड किसने बनाया? ये रोहित शेट्टी क्या था पहले? ले, ये क्या नहीं थे, 3 फिल्में बनाई, सुपरस्टार डायरेक्टर। इसे 70mm से 14 इंच के टीवी पे कौन लाया? ये शरद केलकर क्या था पहले? ये बेचारा पिछले जन्म में भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। इस बात की पब्लिसिटी किसने की? एक बात बताओ, ये सुदेश लहरी क्या था पहले? सुदेश लहरी कॉमेडियन था, कॉमेडियन है और कॉमेडियन रहेगा। बस यही गलतफहमी में दूर करने आया। आप अपनी मूंछ ठीक कर नहीं सकते, गलतफहमी दूर करेंगे। चलो नीचे, इसको हाथ में पकड़ लो, डिस्टर्ब कर रही है। और आपने गलतफहमी दूर करनी है सुदेश की, उसकी करो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो सर? नहीं, मैं रोटी पानी खा के आया हूँ, पेट भरा हुआ है, खाया पिया मैं जा रहा। अच्छा हुआ खा लिया सर, क्योंकि अब जिंदगी भर तरसना है। अब आप जिंदगी भर ऑप्टिमिस्टिक के साथ काम करोगे सर। क्यों क्यों, मैं नहीं करता, मेरी मर्जी। अरे आपने एग्रीमेंट साइन किया है? कहाँ किया एग्रीमेंट साइन? ये देखो, ये तो मैंने ऑटोग्राफ दिए। इन सब ने भी ऑटोग्राफ ही दिया था। ये डायरी मत निकालो सर, डायरी को मैं पढ़ा लिखा ही नहीं, मैं डायरी को क्या देखूं, मुझे डायरी की जरूरत है क्या? ये क्या है सर? ये क्या मतलब, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये गलत बात है, मैं ऐसी कोई बर्दाश्त ना बात कर सकता हूँ, ना मैं ऐसे कोई करे, समझ आए कि नहीं? इज्जत कमाई है, मैं ये थोड़ी बात है कि कोई भी बंदा आकर मेरे से बात कर ले। मैं देखो ना मैं किसी बात करते हुए ना कर सकता हूँ, इंसान इंसान के काम आता है, ये थोड़ी बात है कि कोई कर ले। क्या है ये क्या हो रहा है, ये कर क्या रहे हैं आप? नहीं ये कि ये दे दो मेरा। मैं समझ गया, आप ही सबको बनाते हैं, आप ही सबको बनाते हैं, हम सबको इन्होंने बहुत बनाया है, जोरदार इनके लिए गालियां नहीं तालियां। ये क्या हो रहा है रोहित? रोहित हमारे प्रोड्यूसर को लेके आ रहे हैं, द रियल गाय, द रियल वन, द रियल पीपल। Always, एक बार फिर इन्होंने हमें चकाचौंध कर दिया। अर्चना नहीं कह सकते कुछ, सिर्फ यही कि इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन और मिमिक्री ऑफ अ रियल लिविंग लेजेंड हमारे प्रोड्यूसर जी विपुल, इससे बेहतर मैंने मतलब सोच भी नहीं सकती। देखा तो मतलब देखना तो बहुत दूर की बात है, सो यू आर जस्ट फैंटास्टिक। Ritesh, as a performance, I have no points, but 110 or whatever I would say. Rohit, क्या कहेंगे आप? दिल से लिखा है ये act. और ये perform भी इन लोगों ने बहुत दिल से की है. Superb again. Thank you. इसके बारे में कोई कोई यानी suspense नहीं हो सकता, लेकिन 10 points and a hippo. Rohit. Obviously, there's no suspense. 10 points again. Season 3 के शेट्टीज सलोनी के स्वयंवर में मछली रश्मि के साथ आ रहे हैं राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। स्वागत कीजिए। प्रणाम गुरुजनु। आज हमारा स्वयंवर है, लेकिन हम
खुश होने की बजाय बहुत दुखी है क्योंकि आजकल राखी और राहुल जैसे लोग भी स्वयंवर कर रहे हैं। उन्होंने स्वयंवर में इतनी कॉमेडी की लेकिन आज हमें कॉमेडी में स्वयंवर करना पड़ रहा है। मेलबोर्न मछली मचलने वाली। अरे हाँ, हमें याद आया, हमसे उसी की शादी होगी जो इसकी आँख फोड़ेगा। क्या शादी तेरी हो रही है, आँख मेरी क्यों फूटेगी? मैं कॉमेडी करती हूँ ना, हाँ तुझे पेमेंट मिलती है ना, हाँ। तो फिर चुपचाप आँख फुटवाओ। ठीक है, कोई आए तो सही। हमने सुना है यहाँ पर आग फोड़ने से लड़की मिलती है। हाँ। तो ठीक है, हम अगर लड़की फोड़ दे तो हमें आँख मिल जाएगी। नहीं, मछली की आँख फोड़ने से लड़की मिलेगी। ओके, कहाँ है आँख, कहाँ है आँख? ये है मछली, इसके पास। ओके, लेकिन मछली कहाँ है? ओ चचा, ज़्यादा मछलों, इधर आओ, इधर खड़ी हूँ मैं। इधर है? कहाँ है आँख? खबरदार, ज़्यादा टटोलने की कोशिश की है तो। कहीं निशाना इधर उधर हो गया ना तो मैं बदसूरत हो जाऊंगी। नो, बात तो ऐसे कर रही है जैसे आँख फूटने के बाद कैटरीना कैफ लगेगी। कैटरीना कैफ लगे मोहम्मद कैफ, तुम्हें कौन सा फर्क दिखने वाला है? चलो अब जल्दी से मछली की आंख फोड़ो। कहाँ है आंख, कहाँ है आंख? बैक स्टेज रखी है, उठा के जोर से जमीन पर पटक देना, टूट जाएगी। ओके। ज्यादा चलाकी मत कर, अब जो भी आएगा उससे चुपचाप आंख फुटवा, वरना वरना क्या, मैं तुझे फ्राई करके खा जाऊंगी। चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टर भेजो। चलो अब जल्दी से आग फोड़ो मछली की। फिटे मुंह तुम्हारा, मैं प्रपोज कर रहा हूं, तूने लात मार दी, वो जिंदा रहा पुत्र कह रही है। अबे ओए, ये साइलेंट मूवी में आवाज कहां से आ गई? पिछवाड़े पे लात पड़ेगी तो अच्छे अच्छों की आवाज निकल जाती है। एक भी ढंग का लड़का नहीं आया, अब हमें लगता है हमें हमारा स्वयंवर कैंसिल कर देना चाहिए। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्या तुम लेफ्टी हो? अबे कहावत बोल रहा हूँ। चलो आप सुनो। अरे वो मछली नहीं पूर्वी है। लेकिन गर्म तो उतनी है। पर इसको निशाना लगा के क्या फायदा? शेखर जी पर क्यों लगा रहे हो? मगरमच्छ यही है, सारी मछलियां इसी ने खाई है। Yes, अर्जुन तुमने मुझे स्वयंवर में छीन लिया। हम जीत गए, हम जीत गए। अबे कैलिब्रेशन बंद करो इस गधे ने।
ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास गवाह है, पूरी महाभारत में अर्जुन का निशाना कभी गलत नहीं लगा। मैं महाभारत वाला अर्जुन नहीं, मैं तो रामपाल वाला अर्जुन हूँ। हमने आग फोड़ी है, हमें लड़की दो। गलत आग फोड़ के लड़की नहीं मिल सकती। चुप, जब गलत एक्टिंग करके नेशनल अवार्ड मिल सकता है तो लड़की क्या चीज है। थैंक यू सो मच। शेखर, क्या आप इस मछली की आंख फोड़ना चाहेंगे? यकीनन नहीं, बहुत ही खूबसूरत एक्ट था। और राजीव, ये डिफिकल्ट रोल था आपके लिए, पिछले बार भी आपने बहुत अच्छा किया था और इस बार भी आपने 4 चांद लगा दिए। आई थिंक इंडिविजुअली आप सब ने बहुत अच्छा किया एंड आई थिंक क्लाइमैक्स में हर पंच, एवरीथिंग दैट यू केम एज अर्जुन, और हर पंच जो आपने मारा, इट वॉज अ सिक्सर एट द एंड ऑफ इट, यू वन द मैच। अर्चना, बिगिनिंग में थोड़े झोल थे लेकिन आई थिंक यू गाइज आर लाइक गेटिंग देयर एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द अदर्स टू फॉलो, सो वेरी वेल डन। रोहित, जो बेस्ट सिक्स है वो मेरे पास है इस वक्त, वो तीन वहां बैठे हुए, तीन यहाँ खड़े हुए। अच्छा, अब बारी है स्कोर्स की, स्कोर्स दे दीजिए। 9 points, अर्चना ने भी दिए 9 points। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी तरह महाराज धृतराष्ट्र और संजय भी धरती लोक पर आ गए तो वो यहाँ का माहौल देखकर क्या कहेंगे। एक नटखट बालक ने इतिहास के पन्नों से उन्हें यहाँ बुलाया है, देखते हैं महाराज में क्या बीतती है। स्वागत कीजिए सीजन 3 के शेटीज का, शरद एज धृतराष्ट्र, परेश एज संजय एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। करने बैठ जाओ। मम्मी, मेरे को थोड़ी देर और खेलने दो। टिट्टू बेटा, कहाँ ना पढ़ाई करने बैठ जाओ। पापा प्लीज। इतना गुस्सा आता है ना मेरे को मेरे पापा पे, क्योंकि तो उनके नाक में दुंगड़ियाँ घुसाड़ के ना उनको उल्टा कर दूँ। ओए रब्बा, मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट लगता है ना मेरे को। मेरा दिल करता है मैं इन राजाओं को कहूँ कि हिम्मत है तो बाहर आए और देखें हम बच्चों की लाइफ में कितना टेंशन है। ये हम कहाँ आ गए संजय? पेरिस, ताजमहल देखिए महाराज। कहाँ है ताजमहल? कहाँ है ताजमहल? Hey, कोई नहीं मारेगा महाराज को। अरे लोग हमें मार क्यों रहे हैं संजय? अरे महाराज, पेरिस में आकर अगर ताजमहल देखने की जरूरत करोगे तो पीटोगे ही ना। ये तो उसको बुलाओ जिसने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ। अरे बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वैसे भी हमारी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अंकल जी, लेकिन मैंने सुना एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। अंकल जी, आप एलियन हो? नहीं बेटा, हम सिविलियन हैं, 5,000 साल पुराने। हाँ। इस युग के दर्शन करने आए हैं। हैं? अंकल, मैं आपका गाइड बन जाता हूँ। गाइड मतलब देवानंद? आप उन्हें जानते हैं? अरे हाँ हाँ जानते हैं, महाराज की जवानी में वो इनके साथ शतरंज खेला करते थे। अंकल, हाँ? वैसे ना महाराज को देख के लगता नहीं कि महाराज कभी जवान भी रहे होंगे। इतना बदतमीज बच्चा है ये। महाराज, आपको क्या लगता है, दुर्योधन सिर्फ आपने ही पैदा किया था? अंकल, ये दुर्योधन क्या होता है? धन का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन। अच्छा अच्छा, उदय चोपड़ा। और पुत्र के मुंह में जो पैसे खर्च करते हैं उसे कहते हैं महाराज। यशराज। ओए मैं भूल ही गया अंकल, आज ना यशराज की सुपर डुपर हिट फिल्म आने वाली है टीवी में। अंकल मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने। महाराज, जमाना बदल गया है। तो अपना दूरदृष्टि खोलो। हाँ? और मुझे इस बदले हुए जमाने का कोई नजारा दिखाओ। हाँ?
महाराज पिपाशा का आइटम डांस हो रहा है। अरे संजय, संजय बेटा हमें वाले चलो। महाराज आप वहां जाकर क्या करेंगे, बिपाशा यहाँ आएगी। बुलाओ बिपाशा, आओ। अरे महाराज मुझे तो लगा था कि बिपाशा का डांस देखकर आपकी सिर्फ आंखें खुलेगी, लेकिन आप तो पूरा खुल गए। बकवास बंद करो ना, स्टेज पे पहुंचा दूंगा, तुम कोई और लड़की देखो। मुझे लगता है यहाँ फैशन शो हो रहा है। बेटा संजय, हाँ बहुत ही कमजोर कमजोर लड़कियां थी। महाराज ये कमजोर लड़कियां थी, आज साबित हो गया कि आपकी नजरें वाकई कमजोर हो गई हैं महाराज। अरे संजय कमजोरी से ध्यान आया, बहुत भूख लगी है। आपके पास पैसे हैं? थे, डांस पे लुटा दिए। कोई नहीं मारेगा महाराज को। अबे साले सब लोग हाथ से मारे, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आया तू? कोई कुल्हाड़ी मत मारना इन्हें। फेंक कुल्हाड़ी। अरे महाराज के पैरों पर नहीं, दूर फेंक। महाराज ये क्या, खाने के पैसे आपने डांस पर उड़ा दिए? क्या समझ कर उड़ाए थे कि जायका इंडिया में जाओगे और मुफ्त का खाना खाकर आ जाओगे? महाराज कितने झूठे, मुझे तो कहा था आप सिविलियन हो। आज ये बच्चे भी ना, बेटा ये धृतराष्ट्र हैं। अंकल और आप जहाँ खड़े हैं वो महाराष्ट्र है। अच्छा बेटे पहले तो यहाँ एक भारत राष्ट्र हुआ करता था। अंकल अब बहुत ज्यादा राज्य हो गए हैं। कितने राज्य? अंकल इस सवाल के चक्कर में ना सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। एग्जाम में जो लिख के आते हैं ना आंसर शीट चेक होने तक बढ़ जाते हैं। राष्ट्र का विभाजन, ये मैं क्या देख रहा हूँ संजय? महाराज अगर आप देख रहे होते तो विभाजन नहीं होता। और रहने दो अंकल जी, हमारे नेता ना आंखें होते हुए भी विभाजन करने पे तुले हुए हैं। अच्छा मैंने सुना है ये नेता लोग बड़ा घोटाला करते हैं। आजकल घोटाला नहीं करते, हजार हजार के नोटों की माला करते। अच्छा अरे संजय हम एक किस भारत वर्ष में आ गए हैं? मुझे लगता है महाराज हमें नहीं वासुदेव कृष्ण को इस युग में आना चाहिए। अंकल जी एक बात बताऊं, हाँ मैंने ना वैसे बुक भगवान कृष्ण के लिए खोली थी। अच्छा? पर आप पता नहीं कहाँ से निकल आए। पर ना कृष्ण भगवान भी ना चक्कर चलाने की बजाय चक्कर दे रहे हैं और इस हालात में यहाँ से आने में ना डर रहे हैं। अच्छा? हाँ अंकल, और इतने दुखों में हम इन विचारों को हंसा रहे हैं और सुदर्शन चक्र नहीं कृष्ण सुदेश से ना काम चला रहे हैं। भाई हम भी अपनी पुस्तक में वापस जा रहे हैं, क्या आप हमें अपना नंबर सुना रहे हैं? हाँ जी सुना दो। सुना दो जी। नितेश क्या कहेंगे आप हमारी इस जोड़ी के लिए? फॉर मी एवरीवन वाज गुड बट भारती स्टोल द शो। अर्चना
आप तीनों की परफॉर्मेंस बहुत 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 बढ़िया थी. आई ऑफ कोर्स विल से कि भारती एक्सेप्शनली आपकी परफॉर्मेंस थी, बिकॉज आपके पास था भी ज़्यादा. इट वॉज एन ऑथो बैक्ड आइटम आपके लिए. बहुत डिफिकल्ट है इतने सारे किरदार करना उस टाइम में, उतना जाना आना, एंड देन यू वर एब्सोल्युटली सुपर्ब. शेखर, लोगों का अब ऐसा मानना हो गया इनके प्रतिभा को देखते हुए कि अब कॉमिक टाइमिंग के मामले में, ह्यूमर के मामले में, कॉमेडी के मामले में ये लोग इतने निपुण हो गए हैं कि अब आंखें बंद करके कॉमेडी कर सकते हैं. वही वो कर रहे हैं. इट वॉज अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस. थैंक यू. इट वॉज सो फ्रेश, इट वॉज सो न्यू, एंड आई थिंक दैट वॉज द चार्म ऑफ द होल एक्ट. अब बारी है स्कोर्स की. सर, आई लाइक टू 9 points. थैंक यू सो मच. 9 points अगेन. धनुर्धारी अर्जुन या गदाधारी दुर्योधन, इनकी शत्रुता तो युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन आज इनके महाभारत में इन्हें एक दूसरे को हराना नहीं, हम सबको हंसाना है. तो स्वागत कीजिए सीजन 1 के पुरंस अर्जुन स्वप्निल और दुर्योधन VIP का. महाभारत के इस महायुद्ध में, इस पावन भूमि पर ये कौन लेटा हुआ है यार? ए, उठो. हेलो, उठो. लगता है तू ऐसे नहीं मारेगा, तुझे तीर ही मारना पड़ेगा. उठो. कौन है जो मेरी निद्रा खराब कर रहा है? ओ, पितामह अंकल. पेरी पना. आयुष्मान भव पुत्र. लेकिन पितामह अंकल, आप इधर क्या कर रहे हो? इधर युद्ध होने वाला है. आप एक काम करो, अंदर जाके लेटो. तो? अरे अंदर जाके लेटो. ठीक है, जाता हूं. कौरवो, 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 कौरवो. यार मेरी आवाज एको क्यों हो रही है? कहीं आज एकोदशी तो नहीं है? नहीं, एकोदशी तो नहीं है. अरे यार, इसका मतलब यह है कि आज भी मैं सबसे पहले और अकेला सेट पे आया हूं. सिर्फ 2 लोग हैं पूरे सेट पे जो समय पे आते हैं. अर्चना जी, मैं तो फिर भी काम से आता हूं, आप जल्दी क्यों आते हो? अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक कौरव में से कोई इस युद्ध भूमि पर नहीं आता, मैं नहीं आऊंगा. पितामा, अर्चना, मुझे आशीर्वाद दो. मैं दुर्योधन कौरव की तरफ से आज इस युद्ध का आरंभ करता हूं. परंतु पांडु का कोई अता पता नहीं है. जब से IPL शुरू है ना, ये लोग अपना कार्य भूल गए. एक मिनट, अभी पता करता हूं कि स्कोर कितना हुआ है. महाअर्चना. अबे ये डायलॉग तो मैं बोल चुका हूं. मैं दोबारा बोलूंगा, क्योंकि मुझे अर्चना में अपने बड़े भ्राता भीम की छवि नजर आती है. प्रणाम. अबे तू क्यों प्रणाम कर रहा है? मेरा बड़ा भाई है यार. युद्ध शुरू कर. एक मिनट. Day 1. पहले अपना मोबाइल साइलेंट पे कर यार. अर्जुन, समय व्यर्थ ना कर, चला अपनी तीर. ओके. अब मैं क्या सोचता हूं इधर. अबे यार, 18 दिनों तक लड़ना है यार. अभी से क्यों सीरियस हो रहे हैं? मैं तो बोलता हूं लेट्स बिच. एक बात बता यार, तू अकेला आया युद्ध में? तेरा 99 भाई किधर है? वो तो आना चाहते थे, परंतु पिताश्री ने रोक दिया. अबे जब तेरे पिताश्री उनको दुनिया में आने से नहीं रोक सके, युद्ध में आने से कैसे रोक दिया बे? अर्जुन, सामना कर मेरी पहली तीर का. इससे पहले कि तू तेरा पहला तीर चलाए, ये ले मेरा पहला तीर.
हेलो, क्या क्या हुआ? अबे शेयर मार्केट 350 पॉइंट ऊपर खुला है। हाँ नहीं नहीं, बेचना नहीं मैं आ रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा, युद्ध है? अरे यार युद्ध तो 18 दिनों तक चलेगा, लेकिन शेयर मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है। एक काम कर, मैं जा रहा हूँ। हेलो, बेचना नहीं, आ रहा हूँ, बेचना नहीं। जब तक ये आता है मैं अपने तीर को धार लगा लेता हूँ। मोटा भाई इधर, दुर्योधन भाई कौन है? अबे मूर्ख, यहाँ पे अकेला मैं हूँ तो दुर्योधन मैं हूँ ना, तुम कौन हो? मैं रमेश भाई, सुरेश भाई, नरेश भाई, कल्पेश भाई, रितेश भाई। मैं तुम्हारे भाइयों का नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम पूछा हूँ। उनका छोटा भाई हिलेश भाई, इंश्योरेंस वाला। मैं आपका इंश्योरेंस कराने के लिए आया हूँ। मेरा इंश्योरेंस क्यों? मैंने महाभारत देखा है टीवी पर, मेरे को मालूम है 18 दिन के बाद तुम ही टपकते हो। मैं तो बोलता हूँ इंश्योरेंस करा लो मोटा भाई, 50 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हारे मरने के बाद। मुझे तो लगा था कि मेरे पैसे 1.5-2 साल में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मरने के बाद मिलने वाले हैं। भाई यहाँ के तो मिलेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन हमारे मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा है? मेरे को बताओ आपके पिताजी का नाम? धृतराष्ट्र। स्टेट बाद में पूछेंगे, पहले पिताजी का नाम। पिताश्री का नाम वही है, धृतराष्ट्र। हाँ। तमें धृतराष्ट्र ना? हाँ। अरे गांडा वो सौराष्ट्र नो। केम जो? मजामा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा तुम्हारे भाई बहन कितने? 100। ओ तभी पूरा राष्ट्र लगता है। आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ है? अरे उसी के लिए तो युद्ध हो रहा है। मोटा भाई इधर युद्ध हो रहा है। हाँ। या मम्मी, या मम्मी। तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे क्योंकि मोटा भाई मेरी खुद की पॉलिसी नहीं है। तुम्हारी खुद की पॉलिसी नहीं है और तुम मेरी निकालने चला, आज तू नहीं बचेगा। ए, मोटा भाई, जा। मार रहा नहीं, मार रहा नहीं मोटा भाई। जा। मोटा भाई। समय समाप्ति की घोषणा। देवी और सज्जनों मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि और शब बखैर। अर्जुन, हे दुर्योधन आरंभ कर अपना युद्ध। ये ले मेरा पहला तीर, अर्चना अस्त्र। ये ले मेरा अगला तीर, शेखरास्त्र। मैं समझता हूं कि जो तीर मेरे कमान से निकला, ये तीर निकलते ही आप तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने सृष्टियों की भ्रमण करेगा, और मैं समझता हूं कि आप तक पहुंचने तक ये तीर ना जाने कहां कहां जाएगा, क्योंकि अद्भुत प्रतिभा का। ये युद्ध 18 दिन तक चलेगा, अब तो बंद हो। बंद हो गया। हाँ तेरी बारी, अगला तीर। ये ले मेरा तीर, रोहित अस्त्र, अब तू नहीं बचेगा। स्टंट कमाल का था, लेकिन मैं बच गया। चलते अगले दिन की ओर। Day 17। हाँ युद्ध आरंभ हो। दंग 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 दंग। Day 18। अबे मैंने तेरे को मारा, आ तो कर। इतने जोर से भी नहीं मारा था। एक मिनट, तेरा ब्लूटूथ ऑन कर यार। क्यों? बहुत थक गया हूँ, अगला तीर ब्लूटूथ से मारूंगा। दुर्योधन, यही है तेरे मौत की घड़ी। ये तो रोलेक्स की घड़ी है। अबे मेरा मतलब है तेरे मरने का समय आ गया। अच्छा। हाँ ये ले। हाँ युद्ध कर।
कि आज मैं इस दुर्योधन को नहीं मारूंगा। युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, होती है तो सबकी बस हार, और हम युद्ध नहीं चाहते। मैं चाहता हूं अमन की आशा। तुम अमन की आशा को चाहते हो? उस आशा को तो मैं चाहता हूं। दुर्योधन आइए जानते हैं कि इनका द्वंद्व युद्ध। अर्चना आपको कैसा लगा? अरे तो मेरी टीम है, मुझे तो अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली। आप दोनों की परफॉर्मेंस एंड स्पेशली स्वप्निल, यू फैंटास्टिक। ऐसा लग रहा था कि मैं बीआर चोपड़ा का महाभारत फिर से देख रहा हूँ। और आपके अपने वर्जन में था ऑल द पंचेस, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस ऑफिसर आ रहा है। इट वॉज फैंटास्टिक, ग्रेट राइटिंग, वेरी वेल परफॉर्म। इट्स अ डिफिकल्ट एक्ट बट कंग्रेचुलेशन, सुपर। थैंक यू, थैंक यू। मैं इसे वो एक्ट नहीं कहूँगा जो कहीं ढीला पड़ गया, क्योंकि ये था एक मुश्किल एक्ट था। इसलिए मैं सारी खामियों को नज़रअंदाज करते हुए कहूँगा कि इट वॉज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड अ सुपर्ब एक्ट। थैंक यू सर। यू बोथ हैव डन अ फैबुलस जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब बारी है पूरन के स्कोर्स की। ब्रेवरी दैट यू शोड, आई विल गिव यू अ 10 पॉइंट्स। आई विल गिव यू अ 10। थैंक यू। 10 पॉइंट्स अगेन, फुल स्कोर। हमारे युग में हर प्राणी आदर के साथ वार्तालाप करता था, किंतु आज प्राणी हो या जीनी, आदर की तो वी हो गई है। पूरन की हीरोइन करिश्मा और दूसरे के अनादर पर अटल जीनी रहमान को ही देख लीजिए। जोरदार तालियां करिश्मा रहमान के लिए। हाय, मैं हूं करिश्मा तन्ना, एन अपकमिंग एक्ट्रेस। मेरे पास है अलादीन का चिराग, अब मैं से घिसूंगी और मेरी सारी फरमाइश पूरी हो जाएगी। वाओ! अरे निकल! ए इज्जत उतर वालो, इज्जत, इज्जत उतर वालो, इंसल्ट करो वालो, बेइज्जती करो वालो, जलील करो वालो, तोहिन करो वालो, मुफ्त में इज्जत उतर वालो, इज्जत वाले। तू जिन है या शकील? मेरी इज्जत उतारने का शुक्रिया। ए भगवान, ये कैसा जिन है? पायरेटेड चिराग में से ऐसे ही निकलेगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम आने में इतना टाइम क्यों लगाया? अबे टाइम टेबल देके चिराग रगड़ा करो। अच्छा खासा क्रिएटिव थॉट्स मुझे आ रहे थे। अच्छा, तुम मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे? नहीं, पोटी कर रहा था। तो हाथ धोकर आए हो या? ओ, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई कि सही टाइम पे और सही जगह पे चिराग को रगड़ा। काम हो गया। कितने बदतमीज हो। बदतमीज नहीं, मेरा काम ही इज्जत उतारना। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा, इससे काम कैसे लूं? सी ग्रेड फिल्म की हीरोइनों के पता नहीं कि काम कैसे लेती है। शट अप! मैं ए ग्रेड फिल्म की हीरोइन हूं। होगी, मैं क्यों इज्जत दूं? देखो, अब बुला लिया तो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। बताओ क्या हुक्म है मेरी आकी? मेरे लिए फिल्म में काम ढूंढ कर दो। मैं जीनू दलाल नहीं हूँ। शट अप! वो फिल्म कोऑर्डिनेटर होते हैं। होता होगा, मैं क्यों इज्जत दूं? नेक्स्ट ऑर्डर, चलो पूछो। मेरे लिए तुम डिजाइनर कपड़े बना कर दो। मैं जीनू गुड़ नहीं हूँ। तुम्हें जिन किसने बनाया है? तुमको क्या लगता है जिन बनने के लिए वैकेंसी निकलती है? हैं? मुझे तो खुजली की बीमारी थी, लोग आके खुजाते और मुझे मजा आता है। मैंने खुजली के ऊपर एक पहाड़ा लिखा है। पहाड़ा सुनाऊं? खुजली का खुजली, खुजली दुना फरहान अख्तर। हाँ, उसको एक्टिंग की खुजली है। खुजली ती शाहरुख खान एसआर के। हाँ, उसको आमिर को खुजली करने की खुजली है। खुजली चौके संजय दत्त बाबा। हाँ, उसको पॉलिटिक्स में घुसने की खुजली है। खुजली पंजे जावेद साहब। जावेद साहब? हाँ, उनको प्रोड्यूसर को उंगली करने की खुजली है। खुजली छक्के प्रीति जिंता हीरोइन, उसको समझ में नहीं आता फिर भी क्रिकेट की खुजली है। और खुजली सत्य यार चना पुरन सिंह, इनको हंसने की खुजली है, वरना ऐसे जोक में कोई हंसता है?
अब खुजली सत्य रोहित शेट्टी, इनको टेलीविजन की खुजली वरना फिल्म छोड़ के कोई इधर बैठता है। खुजली अट्ठे शेखर सुमन, इनको लंबे लंबे कमेंट करने की खुजली है, एडिट में सब कटता फिर भी बोलते हैं। अब खुजली दहाई महेश भट्ट, ये क्यों, इनको सिर्फ खुजली है। हो गया तुम्हारा? नहीं, एक खुजली पे एक दोहा भी है। अच्छा सुनाऊ? सुनाओ। छिछोर दास कवि रहमान साहब लिखते हैं, हाँ, कि रहमन इस संसार में रीत यही चली आए, मैं उसकी खजवाऊंगा जो मेरी खजवाए। और मैसेज लीजिए कि दूजन की खजली करने से लाख गुना अच्छा है आपन आपन खजली को स्वयं अपन खजवा। जजेस इसको प्लीज नंबर दे दीजिए और इधर से भगाइए। रितेश, पहली बार मैंने देखा कि चिराग को रब करने के बाद एक हिट निकली है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने रब किया था तो फ्लॉप निकली थी। सो इट्स ग्रेट टू सी सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल। आई थिंक इन लोगों के कंपैरिजन में ये एक्ट ढीला था, उतना अच्छा नहीं था जिस लेवल के परफॉर्मेंसेज इन लोगों ने दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फीलिंग बेटर, अ लॉट बेटर देन दिस, यू Probably give the kind of performance we expect from both of you. Right. Thank you, sir. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्क्रिप्ट ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। It was lacking something, and I think that was the story कि कुछ था नहीं उसमें कहने के लिए। आप कॉमेडी सर्कस में जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, they are providing so much variety plus heavyweight humor. तो इसलिए उनके मुकाबले आपका एक्ट थोड़ा सिंपल और थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है, बट परफॉर्मेंस वाइज इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट यू गाइस आर ऑलवेज द बेस्ट, सो वेल डन, आई वुड से वेल डन। अब बारी है स्कोर्स की। आई गिव यू एन 8। 8 पॉइंट्स। शेखर ने भी दिए हैं 8 पॉइंट्स। आज यहां गुजरे जमाने के योद्धाए अपने अपने कारनामे दिखाए, लेकिन अब इस महासंग्राम की युद्ध का निर्णायक पल एलिमिनेशन। आज के एपिसोड और पिछले एपिसोड के स्कोर्स को जोड़कर आज की पहली बॉटम टीम है पूरंस की रहमान और करिश्मा, और हमारी दूसरी बॉटम टीम है, वेल दिस इज गोना बी शॉकिंग फॉर एवरीवन, कृष्णा और सुदेश। और जैसे कि आप जानते हैं बॉटम दो टीम्स में फेस ऑफ होगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सुमंस, आप में से कौन आने वाला है फेस ऑफ? जोरदार तालियां हमारे सुमंस की सुदेश जी के लिए। थोड़ा लेट हो गया, मैं पहली बार आया हूं डेंजर जोन में, पता नहीं चला। वो तो ठाकुर बार मिल गया, उसने बताया कहां पे है। कि अब मैं साबित कर सकता हूं कि मैं कृष्णा के बिना भी कॉमेडी कर सकता हूं। जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। कर ले खुद ही कर ले फिर। अब मैं कहूंगा वहां बैठ जा जागे। एक फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अगर ये गाना अलग अलग कलाकारों को बोलना पड़े तो अपने अंदाज में कैसे गाएंगे? सबसे पहले बहुत ही शरीफ कलाकार मीका। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ कुड़ियों को ये डाले दाना। वेरी गुड वेरी गुड। कुड़ियों दा पिछे फिरदा फिरदा जीवें भिखारी, ते एक दिन लग जानी आनू कोई बीमारी। बस करो,
जब मैं ऐसे ऐसे करूँ समझो बल पड़ गया। अगर ये गाना नरेंद्र चंचल जी गाएंगे जिन्होंने हमेशा भजन गाए हैं तो कैसे गाएंगे? इधर आ। दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना। बोलो दीदी तेरा, ताली बजाकर। जिनको दीदी से प्यार है दोनों हाथ ऊपर करो। दीदी तेरा देवर दीवाना, दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना। ऐसे देवर को चाहिए सुधर जाना, वरना बना है इनके लिए थाना। मैसेज ठीक है ना? थैंक यू। तो आइए बुलाते हैं पूरन के रहमान को, जोरदार तालियां। मैं गाड़ियों पे एक छोटी सी आइटम पेश करता हूँ कि अगर जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनके फीचर्स या उनकी क्वालिटी से अगर मोटरसाइकिल मार्केट में आएंगी तो कैसी होंगी? शाहरुख खान बाइक बहुत तगड़ी होगी, बहुत अच्छा एवरेज देगी, बहुत खूबसूरत होगी। आमिर खान बाइक ये मार्केट में साल में दो बार ही निकलेगी। ऋतिक रोशन बाइक डायनामिज्म इतना होगा हवा में उड़ेगी। इसकी फर्स्ट कॉपी हरमन रवेजा बाइक, ये शुरू होते ही जमीन में घुस जाएगी। तुषार कपूर बाइक परिवार वालों के धक्कों से स्टार्ट होगी। अमिताभ बच्चन बाइक के साथ अमर सिंह साइड कार मुफ्त में मिलेगी। सुनील शेट्टी बाइक का साइलेंसर फटा हुआ होगा। और एक बाइक मलिका शेरावत बाइक, ये बाइक नहीं स्कूटी होगी जिसके आसपास सारे मोटरसाइकिल मंडराएंगे, बिना सीट कवर के होगी। थैंक यू।